गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज हम व्लॉग में ड्रेस डिज़ाइन करने वाले हैं, एटलीस्ट शुरुआत आज करेंगे, देखते हैं फिनिश कब होता है। और इस व्लॉग में मेनली सारी बातें ड्रेस के बारे में होने वाली हैं। करवा चौथ आ रहा है, बहुत समय हो गया कि मैंने करवा चौथ सेलिब्रेट नहीं किया है, पर इस बार हम लोग करेंगे। सो मैं ड्रेस बनाना चाहती हूँ मेरी खुद से। एक्चुअली मैं रेड बनाना चाहती थी पर मुझे रेड फैब्रिक मेरी पसंद का मिला नहीं, लाइक इनफ नहीं था उस दुकान पे, और बहुत ज़्यादा दुकानों पे मैं जाना नहीं चाहती थी। तो ओके, चौकड़ी मार के बैठ जाती हूँ। सो मुझे जो फैब्रिक मिला है वो गोल्डन है, और गोल्ड ड्रेस के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा मैस है, मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर लिया है, और मैं सबसे पहले करने वाली हूँ क्लीनिंग। सीरियस क्लीनिंग नहीं, अराउंड 30-40 मिनट्स की स्पीड क्लीनिंग करेंगे। और आज मेरा पौधों को पानी देने का भी दिन है, तो वो भी सिंक एरिया में मज़ा कर रहे हैं, और डिश वॉशर मैंने खाली कर लिया। अब इसको फिल करेंगे, क्लीन करेंगे एरिया को। जब एरिया क्लीन होता है तभी आप मैं काम कर सकती हूँ किसी और चीज़ पे। अदरवाइज़ मेरे दिमाग के कोने में यही रहता है कि घर में बहुत ज़्यादा गंदे, मैं कैसे दूसरा टास्क करूँ। सो घर का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे पढ़ना हो या कुछ भी करना हो, मेरे घर का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे तो ज़रूर बताना, कि अदरवाइज़ दिमाग के कोने में रहता है कि यार घर तो गंदा है, कैसे मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ। सो हम स्पीड क्लीन करेंगे, घर की हालत को सेट करेंगे, देन हम हमारी ड्रेस पे ध्यान देंगे। सो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग वैसे भी बहुत लंबा होने वाला है तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स डू दैट। ये है बिफोर ये है बिफोर। हिम्मत अभी अपनी ब्रेक से खा के गया, डिशेज पड़ी हैं, पॉपकॉर्न कल रात को उसने खाए थे, गंद मचा दिया उसने, कुछ चीज़ें मेरी पड़ी हैं इधर उधर। सो यार सब कुछ मैनेज किया जाएगा क्विक। ऑलराइट, तो हम खोलेंगे पोटली जो हम लेके आए हैं फैब्रिक लैंड से। ये वाला फैब्रिक आप देख सकते हैं, इस पर कितनी सारी बीड्स लगी हैं। ये फैब्रिक था सेल पे 4 something per meter, और ये हेलोवीन के लिए स्पेशल फैब्रिक था, और मुझे लगा कि मैं इसका लहंगा स्कर्ट बना सकती हूँ। और इसके साथ कुछ मिलता जुलता मैंने ये साटन का कपड़ा लिया है लाइनिंग के लिए। वहीं पे हेलोवीन के जो स्टॉल था उसी पे एक छोटा सा कपड़ा का पीस था, लाइक 1.5 meter का आई गेस, गोल्डन किस्म का, और मुझे लगा कि ये एक ही फैमिली के कलर है तो इसी से हम कुछ डिज़ाइन करते हैं। घर आके मैंने काफ़ी सोचा कि क्या किया जाए। सो हम खोलेंगे हमारे ये कपड़ों की पोटली। कपड़े मैंने फैब्रिक लैंड से लिए हैं, फैब्रिक लैंड बर्लिंगटन। और ये जो स्कर्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने लिया था 6 meter, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं दुपट्टा भी निकालूंगी, और मुझे लगा कि क्योंकि इसका जो अर्ज है बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैंने सोचा कि कम में बन जाएगी और मेरी 2.5 meter की दुपट्टा भी निकल जाएगा, पर नहीं हुआ। दुपट्टे के लिए लेटर कपड़ा कम हो गया, पर मैंने उसमें जोड़ लगा लिया जो इतना बुरा नहीं लग रहा था। सो अब हम हमारे लहंगे की कटिंग करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैंने मोस्टली लहंगे स्टिचिंग की वीडियो शूट की है, सो उसको हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि लहंगे को कैसे स्टिच कर सकते हैं ईजी, एंड कैसे मैंने कटिंग की है। सो इसमें हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे इस प्रोसेस को। मैंने पहले कपड़ों को मेजर करके जितनी भी मैं लेंथ रखना चाहती हूँ उसके हिसाब से 4 fold करके, एंड कमर के एरिया को कट करके मैंने लहंगे की स्कर्ट को काट लिया है। समथिंग लाइक दिस। अब इसी तरह मैंने मेरी लाइनिंग को काट लूँगी जो साटन का कपड़ा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि उसको बहुत बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइन ही करूँगी। देन मुझे लगा कि मैं जितना ज़्यादा बड़ा रखूँगी उतनी ही ज़्यादा मेरी स्कर्ट फ्लफ़ी दिखेगी, सो मैंने उसको भी उतना ही काट लिया है सेम साइज़ का जितना मैंने इस लहंगे के पीस को काटा है। आप देख सकते हैं ये साटन के कपड़े का अर्ज भी कितना ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, और ये भी सेल पे था, और मुझे लगता है ये भी $3 meter है। सो ये जो आउटफिट मेरा तैयार होने वाला है ये अराउंड $60 में मेरा पूरा आउटफिट तैयार हो गया है। कैन यू इमेजिन। आई होप आपको ये एंड प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। Thank you.
के बाद जब मेरी ये लहंगे की लाइनिंग एंड लहंगे का तैयार हो चुका है, अगली चीज़ मैंने काट के रख लूँगी मैं टॉप को। मैं मुझे बहुत छोटा नहीं बहुत लंबा नहीं बना रही हूँ, उस टाइम मैं ब्लाउज़ किस्म का बनाना चाहती हूँ। तो उसकी लेंथ और आर्म्स की लेंथ को मैंने काट के रख लिया है और आज हम सिर्फ कटिंग का प्रोसेस ही कर रहे हैं क्योंकि और भी मुझे बहुत सारे काम करने थे उस दिन। सिलाई हम कल करेंगे। सो मैंने लहंगे को काट लिया है एंड टॉप को भी ड्राफ्ट नहीं किया है अभी तक कैसे सिलना है, पर उसकी आर्म्स एंड लेंथ काट ली है मैंने। ज़्यादा लंबा या ज़्यादा छोटा नहीं बनाने वाली हूँ मैं। पहले मैं सोच रही थी कि आज ही स्टिचिंग शुरू कर लूँगी, पर इसको काटने में मेरी कमर में दर्द हो गया। सो कल करेंगे हम लोग स्टिचिंग का प्रोसेस। सो आई होप ये अच्छा आएगा निखर के। और इस पर बहुत सारे ग्लिटर्स हैं, आई डोंट नो कैमरा इसको पिक कर रहा है या नहीं। बहुत शाइनी है और बहुत सारे ग्लिटर्स नीचे गिर रहे हैं और इसकी वजह से मैं इसको अपस्टेयर्स नहीं लेके जाने वाली हूँ स्टिच करने के लिए, क्योंकि फिर कारपेट के अंदर तक ग्लिटर्स चले जाएंगे और फिर कारपेट से निकालने बहुत मुश्किल है। तो यहीं पर करूँगी एंड लेटर क्लीन करूँगी। अब इसको मैंने काटा है तब भी बहुत सारे ग्लिटर्स ही ग्लिटर्स हो गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर देती हूँ एंड मे बी मैं आपको कल मिलूँगी सिलाई वाले व्लॉग के लिए, और शायद मैं और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैनेज करते हैं। थोड़ा आराम कर लेते पहले। हेमंत को मैंने बताया था कि करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और मैंने उसको बताया था कि सारा दिन कुछ नहीं खाते, तो मुझे कह रहा आज जिस दिन मैंने फैब्रिक खरीदा था उस दिन मैंने उसको बताया था। तो आज जब वो स्कूल फिनिश करके अपस्टेयर से नीचे आ रहा था तो मुझे कह रहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। मैंने कहा क्यों? कह रहा क्योंकि तुम ये आउटफिट बना रही हो और तुम वो वाला दिन सेलिब्रेट करोगी जब तुम कुछ नहीं खाओगी, तो हो सकता है कि तुम सर्वाइव नहीं कर पाओ, क्योंकि अगर आप फूड नहीं खाते हैं तो आप मर जाते हैं। कह रहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ, तो प्लीज़ ये दिन सेलिब्रेट ही मत करो। मैंने कहा कि एक दिन नहीं खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कह रहा कि ओके फिर तुम क्या करोगे दिन मनाने के बाद? अपने हस्बैंड को हग करोगे और किस करोगे तुम अपने हस्बैंड को? मैंने कहा किया। कह रहा लकी हस्बैंड, पता नहीं कहाँ से ये बातें ढूंढ ढूंढ के लाता रहता है। माय मॉम डोंट वांट स्वेयर पेशर बट नो ड्रिंकिंग वाटर एंड नो अ सिंगल फूड। व्हाई? जस्ट Like, Huggy's husband, that's it. Why is she doing that? She crazy? Because she, you got dressed. सिलने वाला जाएगा लफाफे में, अगर फालतू जाएगा फालतू में, जो हम लेटर देखेंगे क्या कराएंगे। अब यहाँ पे क्लीन अप करना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, अगली सुबह हो चुकी है, सिलाई शुरू करेंगे लहंगे की स्कर्ट से। सबसे पहले मैंने साइड्स को सिल लिया है, जो लहंगे की साइड्स होती हैं, तब स्कर्ट जैसा बन के आ गया है। और उसके बाद हम इसी तरह लाइनिंग पे सिलाई कर लेंगे और देन बेल्ट के एरिए से मैं इसको अटैच कर लूँगी। वंस ये अटैच हो जाता है तो हम बेल्ट बनाएंगे अराउंड 3.5 इंच की। मैंने खूब सारा कपड़ा ले लिया है बेल्ट के लिए और आराम से बनाई है। इस तरह हम हमारी स्कर्ट से डन है। तो हमारी लहंगे की स्कर्ट कुछ इस तरह की दिख रही है, लाइनिंग आपको नीचे से दिख रही है, उसको हम लेटर काट देंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, अब कल करेंगे हम हमारा बाकी का काम।
ओके दोस्तों, तो आज दिन शाम हो चुकी है क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी डिफरेंट काम किए बहुत सारे, और ऑल्सो मैंने करवा चौथ मेकअप की लुक भी शूट किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वही वाला रेड टॉप पहन के रखा है एंड सिंदूर एंड ऑल करवा चौथ का मेकअप। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि वो मेरा ये रेड सूट देखना चाहते हैं। ये रेड एक्चुअली सूट नहीं है, ये सिर्फ टॉप है। ओके, सो आज हम बाकी की सिलाई करेंगे ब्लाउज़, और गला मैं सिंपल ही बनाने वाली हूँ गोल, क्योंकि मुझे गोल गला बहुत अच्छा लगता है। एंड गला बनाने के बाद हम अटैच कर लेंगे, देन आर्म्स को भी मैं लंबा रख रही हूँ। आर्म्स के लिए जितना भी कपड़ा बचा मैंने उसको सारी आर्म्स के लिए यूज़ किया, मैंने बिल्कुल भी काटा नहीं है। और मुझे लग रहा था कि अच्छी लंबी आर्म्स बनेंगी पर फिर भी वो छोटी होगी, लाइक आई डोंट नो, मेरी आर्म्स ज़्यादा लंबी है या कपड़ा कम पड़ गया। इस तरह हमारा हो गया है आउटफिट तैयार। अभी हुक लगाना बाकी है, सो हुक मेरे पास थी नहीं, अब मैं वॉलमार्ट से लेके आऊँगी। और ये है मेरा आउटफिट, अब बताएं आपको कैसा लगा। ऑलराइट मेरे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आउटफिट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, हम और बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपका करवा चौथ बहुत बहुत अच्छा जाए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, और मैं मिलूंगी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज think about it and take action. That's it. Easy, peasy, lemon squeezy. Bye, Lalu. Darling, I love you.